हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल केजीएफ मुंबई। और आज का हमारा डीआईवाई टॉपिक है पावर फिल्टर के फ्लो को हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं ये जो पावर फ्लो है उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे स्लो मूविंग फिश है। और ये आप देखिए, और इसके वजह से मछली स्ट्रेस में भी जा सकती है और मर भी सकती है। तो आज हम देखेंगे क्या जुगाड़ कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए ये चीजें, 3.5 इंच के एल्बो पाइप, 1.5 इंच का पाइप का टुकड़ा एज पर हाइट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, 1.5 इंच का टी पाइप, 2 छोटे पाइप के टुकड़े। तो ये रहा जॉइंट करने का डायग्राम। अभी हम देखेंगे इसको जॉइंट कैसे करते हैं। तो ये एल्बो और एक बड़ा पाइप का टुकड़ा, फिर एक एल्बो, 2 छोटे पाइप के टुकड़े और एक टी, बीच में टी, दोनों साइड में पाइप के टुकड़े और दोनों साइड में छोटे 2 एल्बो। और अब ये दोनों को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। जॉइन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो अब हम फिल्टर बंद करके इसका एक टेस्ट लेंगे। और ये हो गया स्टार्ट। अभी देख ही सकते हो कि फिश अभी नॉर्मल स्पीड में तैर रहे हैं, उनको कोई तैरने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और फ्लो अपने हिसाब से चल रहा है स्लोली स्लोली। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।